ह्यूमन बॉडी में जो चक्रास होते हैं उनका बैलेंस होना, परफेक्टली बैलेंस होना, परफेक्टली वर्क करना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब हम ये सुनते हैं कि चक्रास की बात हो रही है, 7 चक्र हैं हमारे शरीर में और वो बैलेंस्ड होने चाहिए, तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हमें लगता है ये बहुत टेक्निकल है, हमसे नहीं होगा, हमें बहुत इसके बीच में घुसना पड़ेगा और फिर हम उसको सोचना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जब कभी समय मिलेगा तो हम किसी प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे या पूछेंगे या किसी योगा कैंप जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे, पता करेंगे और कुछ इस तरह का फॉलो करेंगे कि कैसे हम अपने चक्रास को बैलेंस करें। लेकिन अगर आपको कोई बहुत सीधे और स्पष्ट शब्दों में बता दे कि एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे आपको पता चले कि चक्रास बैलेंस्ड है, नहीं है, वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत टेक्निकल नहीं है। टेक्निकलिटी में अगर हम पढ़ेंगे तो हम डेफिनेटली हमारा इंटरेस्ट उसमें से लूज हो जाएगा, लेकिन द पर्पज इज कि सभी लोग, सभी के जो चक्रास हैं वो परफेक्टली वर्क करें। दिस इज वॉट आवर पर्पज इज, राइट? So hi everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spec. Today we are going to talk about the chakras of our body. So basically, एक human body में 114 chakras होते हैं, 114 chakra, different part of the body में. और जो 112 chakra हैं वो body के अंदर होते हैं और जो 2 chakras हैं वो आपके aura में होते हैं, right? But the 7 main chakras जो नीचे से ऊपर की तरफ काउंट किए जाते हैं, उन चक्रास की बात करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले जो है हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे रूट चक्रा की। जो रूट चक्रा है, बेस होता है वो सभी चक्रों का, हमारी बॉडी का रूट चक्रा यानी मूलधर चक्र, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग है, जब हम कोई बिल्डिंग बनने की बात आती है, स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा होता है, तब उस टाइम पे सबसे पहले बेस स्ट्रांग रहे इसकी तसल्ली की जाती है। बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं कि ये हर एक चीज़ जो है वो सहन कर ले, चाहे वो आंधी है, गर्मी है, तूफान है, बारिश है, सर्दी है, तो ये बिल्डिंग कैसे सहन कर पाएगी जब तक ये बेस स्ट्रांग नहीं होगा। बेस का सॉलिड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो कैसे पता चले कि हमारी बॉडी का जो बेस है, हमारे जो चक्रास का बेस है, रूट चक्र, वो कितना स्ट्रांग है और कितना बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड होने का मतलब है कि ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। अब रूट चक्र से हम क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, देखिए, सिक्योरिटी, सेफ्टी, हाँ, और जो डर ना लगना। बहुत बार आपने देखा होगा कि इनफैक्ट एक्सपीरियंस किया होगा, जब कोई रिजल्ट आना होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेज पे जाना है, या फिर कोई ऐसी एकदम से न्यूज़ आती है आपको, जो सडन न्यूज़ होती है, एमरजेंसी न्यूज़, और उसके बाद आप यहाँ पर बहुत प्रेशर फील करते हैं, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, सो यू फील लाइक देर इज समथिंग, यू नो, जिटरी इन द स्टमक, यू आर फीलिंग लाइक, सो दैट इज द फीलिंग विच इज समथिंग यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन, राइट? सो द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जितनी भी फीलिंग्स जब हम इनको फील करते हैं किसी भी सिचुएशन में, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो सडन है और आपने ऐसा फील करना शुरू कर दिया, या फिर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, मतलब अब ज़्यादा हो गया, पहले कम है और अभी ज़्यादा हो गया, मनी को लेकर, किसी के रिलेशंस को ट्रस्ट लेकर, ट्रस्ट फैक्टर लेकर कि मैं सिक्योर हूँ इस रिलेशन में या नहीं हूँ, इस टाइप की जो फीलिंग आती है, फियर की फीलिंग, किसी चीज़ को लूज़ करने की फीलिंग, कंट्रोल लूज़ करने की फीलिंग, ये जो फीलिंग्स हैं, इन सभी फीलिंग्स के आने का मतलब है कि चक्रा इज नॉट बैलेंस्ड, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर आप काम एंड कंपोज्ड हैं हर एक सिचुएशन में, चाहे वो बहुत खुशी की बात है, और उस टाइम पे भी आपके जो इमोशंस हैं वो एकदम बैलेंस्ड हैं, सम हैं, और जब बहुत ज़्यादा कोई दुख की खबर आपको मिलती है या कुछ ऐसा जो लॉस आपको पता चलता है कि ये हो गया, उस समय भी आपका दिमाग जो है, आपका जो माइंड है, वो ये सोचने के लिए सक्षम है कि
अभी मुझे क्या करना है नेक्स्ट है, ना कि डर के घबरा कर बैठ गए और सोचने लग गए और डिप्रेशन में आ गए। सो दैट मीन्स अगर आप खुशी में भी अपने आप को उतना ही बैलेंस्ड रखते हैं और दुख में भी अपने आप को उतना ही बैलेंस्ड रखते हैं, और किसी रिलेशन के जाने का आपको इनसिक्योरिटी नहीं कि मुझे यू नो धोखा देगा, या ट्रस्ट फैक्टर की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, आप सेफ फील करते हैं, दैट मीन्स इट इज़ ऑल बैलेंस्ड। और अगर वो ये सब फीलिंग्स हम फील कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इट्स नॉट बैलेंस्ड। सो द रूट चक्रा कलर इज रेड। ओके, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज़ जो है, अगर हम नॉर्मल उसमें बात करें रूटीन में, सो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आप बैठते हैं, जो आप चेयर यूज़ करते हैं, या फिर जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो उस समय आप अपने नीचे लाल रंग यूज़ कर सकते हैं, लाल रंग की कोई शीट यूज़ कर सकते हैं, मैट यूज़ कर सकते हैं, और एज मच एज यू कैन यूज़ रेड कलर अंडर योर फेस। ओके, सो रेड चेयर यूज़ कर सकते हैं आप बैठने के लिए, वो आपको एनर्जी, कॉन्फिडेंस और पावर देता है। ऑलराइट, और बैलेंस रखने के लिए, आपके इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए हेल्प करता है रेड कलर यूज़ कर सकते हैं फॉर वियरेबल्स। एंड विद दैट व्हेन यू डू मेडिटेशन, यानी आपको ग्राउंडेड रहना है, रूट मतलब जड़। अगर किसी पेड़ की जड़ मजबूत है तो आप समझ सकते हैं कि वो पेड़ जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो वहीं के वहीं स्टेडी रहेगा हर एक सिचुएशन में, फॉल आएगा तब भी और जब स्प्रिंग होगा तब भी, दैट ट्री विल बी स्टेबल देयर। सो जब बेस स्ट्रांग होता है, रूट स्ट्रांग होती है, तो हर एक चीज़, बिल्डिंग हो, ट्रीज हो, या फिर ह्यूमन बॉडी हो, रूट चक्रा इज स्ट्रांग, यू आर ऑल स्ट्रांग, क्योंकि यहाँ से फिल्ट्रेशन शुरू होता है। जब रूट चक्रा एकदम ट्रांसपेरेंट बैलेंस्ड है, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाते हैं, द सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, फिर उसके बाद हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, ब्रो चक्रा यानी थर्ड आई, एंड देन क्राउन चक्रा। ओके, सो हम इनकी एक एक करके बात करेंगे। सो आज हम रूट चक्रा की ही बात कर रहे हैं, और मैं आपको ये बता रही हूँ कैसे आपको ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेड रहने के लिए आपको ग्राउंडिंग म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, थंडरस्टॉर्म साउंड्स या फिर कुछ इस तरह का म्यूज़िक, और मेडिटेशन करते समय यदि आप बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। यू कैन चैंट द बीज मंत्र ऑफ रूट चक्रा इज लम। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, ओम की जगह हम यहाँ पे बोलेंगे लम। एंड विद दैट यू विल विजुलाइज कि आपके सामने एक रेड कलर की, क्योंकि रेड चक्रा का कलर है, रेड कलर की बॉल आप विजुलाइज करेंगे अपने सामने आंखें बंद करके, और उस बॉल का कलर और गहरा होता चला जा रहा है। तो आपको लाल रंग विजुलाइज करना है जब भी आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ही वर्क करेंगे, और सिर्फ मेडिटेशन करने से नहीं होगा, हमें ये चीज़ें समझनी होंगी, और ये बहुत धीरे धीरे होगा, पेशेंस लूज़ नहीं करनी है, क्योंकि उसी के लिए तो वर्क कर रहे हैं ना। सो जब भी आप रूट चक्रा के लिए वर्क कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए, तो अपनी नॉर्मल लाइफ में प्लीज़ ट्राई टू गेट कंट्रोल ऑन ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, आपने जो ये चीज़ें, आपने फियर जो फील किया है, जो एंग्जाइटी फील किया है, कल कहीं जाना है और रात को नींद नहीं आ रही है, ओ माय गॉड कल जाना है, दैट एक्साइटमेंट, दैट एंग्जियस होना, और या फिर रिजल्ट आ रहा है और हम जा रहे हैं रिजल्ट देखने के लिए, और पेट में बार बार यू नो वी आर गोइंग टू द मल्टीपल राउंड्स वी आर टेकिंग टू द वॉशरूम, और मे बी सम स्पीच इज देयर और सम पार्टिसिपेशन ऑन द स्टेज, इन सब के पीछे का जो फियर, जो एंग्जाइटी है, उसको कंट्रोल करना। अगर वो कंट्रोल हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने अपना रूट चक्रा बैलेंस कर लिया है। नाउ वी विल कम अप टू सेक्रल चक्रा एंड वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सो रूट चक्रा इज ऑन द प्रॉपर बेस। आप ये भी देखेंगे जब रूट चक्रा बैलेंस नहीं है तो आपका जो लोअर बॉडी वेट है वो जल्दी आप गेन करते हैं। सो ये भी एक इसका साइन है। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए, यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस, बट इट विल टेक टाइम, यू हैव टू कीप पेशेंस। आप रोज़ कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स मे बी यू कैन टेक एंड यू कैन गिव टू योर बॉडी फॉर दिस थिंग।
So try this, and in the next video we'll talk about the sacral chakra. Okay, so thank you so much, and have a very great day.